नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कार की छत पर लेटकर स्टंट कर रहे उल्लासनगर के युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 4 के बंजारापाड़ा का बताया जा रहा है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद लोग कर रहे हैं कथित स्टंटबाज शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव उन्हाड़ी में गुरुवार की सुबह हुआ बड़ा हादसा। 9 बजे के आसपास पलट गई बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस। हादसे में हुई 6 बच्चों की मौत जबकि 15 बच्चे हुए घायल। आरोपी बस चालक मौके से फरार। महाराष्ट्र के अहमदनगर से दिल दहला देने वाला एक मामला आया सामने। पुराने कुएं में गिरी एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि बिल्ली को बचाने के लिए जिस कुएं में कूदे थे लोग, पहले वो हुआ करता था बायोगैस वाला कुआं। घटना के दौरान कुएं में बड़ी मात्रा में मौजूद थी गैस जिसकी वजह से दम घुटकर हुई 5 लोगों की मौत। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लग रहा है झटके पर झटका। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कर दिया टर्मिनेट। दिल्ली शराब घोटाले में कुमार से कई बार हो चुकी है पूछताछ। अब कुमार को हटाए जाने से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारी में चुनावी सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के लगने लगे नारे। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ, लालू यादव तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण नारेबाजी करने वाले लोग नहीं पहुंच सके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समीप। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को लगा बड़ा झटका। बिजनौर से सांसद मलुक नागर ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। दरअसल पार्टी ने इस बार बिजनौर सीट से नागर का टिकट काटकर चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को बनाया है अपना उम्मीदवार। बिजनौर से टिकट कटने के बाद उन्होंने अब मायावती को भेज दिया है अपना इस्तीफा। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। सौतेले भाई ने बिजनेस में दिया धोखा। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 37 वर्षीय आरोपी वैभव पांड्या को किया गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के अनुसार सौतेले भाई वैभव पांड्या ने कथित तौर पर की मुंबई स्थित पार्टनरशिप फर्म से तकरीबन 4,30,00,000 रुपए की हेराफेरी, जिसे क्रिकेटर और उनके भाई कृणाल को हुआ भारी नुकसान। बिग बॉस सीजन 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से घिरे विवादों में। मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर मुनव्वर फारूकी और पब्लिक के बीच हुआ क्लैश जिसमें कॉमेडियन पर जमकर बरसाए गए अंडे। अंडे बरसे तो मुनव्वर फारूकी भी आपा खो बैठे जिसका वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। भारत को चीन के साथ अपने लंबे वक्त से चल रहे सीमा विवाद का तत्काल निकालना चाहिए समाधान ताकि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी असामान्यता को छोड़ सके पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के साथ एक इंटरव्यू में कही ये बात। पीएम मोदी का कहना है कि चीन के साथ भारत का रिश्ता है महत्वपूर्ण। मनोरंजन जगत से सामने आई एक बुरी खबर जिसने सभी को कर दिया हैरान। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के खतरनाक विलन सूरज मेहर की महज 40 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में हुई मौत। जानकारी के मुताबिक अभिनेता आखिरी फिल्म की शूटिंग से वापस लौट रहे थे, अचानक पिकअप वाहन से टकरा गई उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे एक्टर की मौके पर हुई मौत। एक्टर की सगाई होने वाली थी जिसके चलते उनके घर में था खुशी का माहौल, लेकिन अब शहनाई के बदले पसर गया मातम। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।